जीवन में दोस्ती करना है तो किताब से कीजिए दोस्ती, दोस्ती करना है अगर प्यार सबसे अधिक करना है तो आप किताब से कीजिए, अपनी मम्मी पापा से कीजिए। आप कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा, कभी आपको मतलब गड्ढे में नहीं जाएंगे, पूरे सफलता आपके जीवन में आनी है। समझ रहे, इस बात को समझिए और अपने जीवन में लगाइए। अभी आप लोग क्या है, कच्चे बांस की तरह है। अभी आप लोग जिस तरह से आपको मोड़ा जाएगा उस तरह से मोड़ा जाएगा। अभी आप कच्चे लोहे हैं, अगर लोहा को अगर कच्चा लोहा का अगर हम ऐसे मोड़ेंगे ऐसे मोड़ा जाएगा। यही जब यही लोहा जैसे अगर बांस लीजिए कच्चा है उसको अगर हम क्या करते हैं पगड़िया होता है ना, या फिर ग्रस्सा पगड़िया लेकर उसको जैसे छेप छाव के बनाएंगे वैसा बन जाएगा। वही सूख जाने के बाद, सड़ जाने के बाद, बर्बाद हो जाने के बाद उसका कुछ नहीं हो सकता, कोई काम होगा नहीं होगा। अभी आप लोग जो विद्यार्थी हैं, आप लोग को अभी जब तक थोड़ा ठोकाई नहीं लगेगा, दबाव नहीं लगेगा, घर से नहीं पिटाई लगेगा, यहाँ से थोड़ा नहीं मिलेगा, तब तक आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। जिस प्रकार लकड़ी देख रहे हैं, अगर लकड़ी अगर आप जिस पर बैठे हुए हैं बेंच डेस्क पर, जिस कुर्सी पर, जिस टेबल पर आप बैठे हुए हैं, ये एक लकड़ी का बना हुआ है। इस लकड़ी कितना ठोकाई लगा, कितना कांटी लगा, कील का दर्द सहा है, उसमें कितना कांटी लगा होगा उसका दर्द सहा है, उसके बाद जाकर एक कुर्सी बना या फिर एक टेबल बना है जिस पर आप अभी अच्छे से बैठे हुए हैं। इसको हमेशा आप पूजा करते हैं, साफ करते हैं। अगर यही लकड़ी अगर कहीं बाजार में फेंका होगा तो उस पर लोग कचरा करता होगा, गंदा करता होगा, थूक फेंकता होगा, इसका क्या वजह है, इसने चोट खाया है तब जाके ये बन चुका है, एक अच्छा चीज बन चुका है जिसको हम लोग पूजा करते हैं। ऐसे इस पर हम आपको काफी बता चुके हैं मोटिवेट के रूप में। अगर किसी मंदिर की अगर बात कर लेते हैं, कि अगर एक मंदिर था वहां पे अगर जो सांप मंदिर में रहेगा उसको हम लोग भगवान मानते हैं, नाग बाबा मानते हैं, उसको पूजा करते हैं, और वही सांप अगर मंदिर के बाहर करके आ रहा है मारो 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 हम लोग पीट देते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संगत जैसा होता है वैसा ही आप बन जाए, आप जिसके साथ रहेंगे वैसा आप बन जाएगा। इसलिए संगत कीजिए पॉजिटिव थिंग वाले व्यक्ति से, आपका हमेशा पॉजिटिव थिंग होगा। अगर आपके पास नेगेटिविटी है तो उसको आप उससे दूर कीजिए, क्योंकि हमारा एक मोटिवेटर कि नेगेटिव एक ऐसा थिंग है, नेगेटिव एक ऐसा विचार है जो आपको नरक की ओर ले जाएगा। काफी बच्चे को ये चीज सुनने के बाद अंदर से कटराहट महसूस होगा या क्या बता रहे हैं, जो मंदिर के सांप उसको कोई मारते हैं नहीं मार सकते, कई बार भगवान है उसको दूध लगा दिया भगवान है, और वही सांप मंदिर के जस्ट नीचे उतर जाएंगे कहीं मारून आवारा सांप काट, अंतर क्या है वो मंदिर में था। दो पत्थर में दोस्ती था, एक मंदिर में पत्थर लगा हुआ था, अंदर में पत्थर था उस पे भगवान शिव का था, उसको लोग दूध लगा चढ़ाते थे या फिर पूजा करते थे, वही पत्थर बाहर लगा हुआ था फर्श पर जिसको लोग पैर मार कर अंदर जाते थे। एक पत्थर ने जो पत्थर भोले बाबा बना हुआ था, भोले बाबा के आकार का बना हुआ था, उस पत्थर ने इस पत्थर से पूछा, यानी वो पत्थर में जो फर्श से पड़ा हुआ था उसने पूछा उस पत्थर से, यार ऐसा क्यों लोग हमारे साथ ऐसा जूते चप्पल क्यों वहाँ पे रख के जाते हैं, हम पर क्या है पैर लगाते जाते हैं, आपको क्या है पूजा करता है, तुम भी हमें जैसा पत्थर है हम भी तेरे जैसा ही पत्थर है, तुम भी हम ही से टूट करके बना है और हम भी तुम्हें से टूट कर यहाँ पर बिछाया है। तो उस पत्थर ने जो भोले बाबा के आकार का पत्थर था उस पत्थर का बहुत ही सुनहरा जवाब मिला कि देखो यार आप जो है तो कोई चोट नहीं खाए, आप चोट नहीं खाए, आप सिर्फ जहाँ से चुरा के आए हैं वैसा ही आपको वहाँ पे बिछा दिया गया है, जिसके वजह से आपको लोग पैर मारता है या लात मारता है या फिर उस पर आप मतलब पूजा नहीं करता। और हम देखिए हम कितना हथौड़ा का चोट खाए हैं, कितना हथौड़ा का चोट खाने के बाद हम ये भोले बाबा के आकार के रूप में आए हैं, इसलिए लोग हमको क्या करते हैं पूजा करते हैं और आपकी पूजा नहीं करते हैं। इसलिए चोट खाइए और उस आकार के बनिए कि लोग आपकी पूजा करें, न कि आपसे छूटा हुआ कचरा को पूजा करें, इसलिए इस तरह से बनिए। तो आपको किस तरह से बनना है ये आप डिसाइड कीजिएगा कि हमको वो फर्श पे पड़ा हुआ पत्थर था बाहर में वो बनना है या फिर आपको भोले बाबा के आकार के जो बना पत्थर वो बनना है। अगर आपको अच्छे पत्थर बनना है जो कि आप पूजा कराने के लायक बनिएगा तो आपको क्या करना होगा, चोट खाना पड़ेगा, सहन करना होगा, करना पड़ेगा, संघर्ष से आपको लड़ना पड़ेगा, आपको हर समय आएगा तकलीफ। जब तकलीफ आएगा जीवन में तकलीफ, जब लगेगा कष्ट हो रहा है, आप कोई चीज पढ़ाई में लगेगा तकलीफ होता है, समझिएगा उस समय आप जीतिएगा। थोड़ा आपके आसपास जो सफलता भटक रहा है उस सहन को अगर सहार जाएंगे, हार जाएंगे, भागते हैं लेकिन रहेगा नहीं, मन को क्या कहता है, माइंड इज अ बैटल ऑफ थॉट, जो मन को शांत कर लिया, मन किसे कहते हैं, मन विचारों के प्रभाव को हम लोग मन कहते हैं, जो अपने मन को यानी मन को अगर शांत कर लिया वो इंसान दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या होता है विद्यार्थी का मालूम आप लोग का, विद्यार्थी का सबसे बड़ा रोग होता है क्या कहेंगे लोग, तो लोगों से बच के रहिए, लोग आपको कुछ भी कहेगा हम क्या बताएं, आपको सदा पन्ना की तरह बना, ये सदा पन्ना आपको दिखाई देते हैं, आपको क्या दिख रहा है, अगर आप गौर से दिखेगा इसमें क्या आप दिख रहे हैं, आपको यह कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब पूछेंगे इसमें क्या दिखे आप क्या बताएं, अब आपको क्या दिख रहा है सब बच्चे बोलिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक बुनका दिख रहा है, काला सा धब्बा दिख रहा है, क्या दिख रहा है इधर से,
एक काला धब्बा दिख रहा है, आप लोग को भी वही दिख रहा है। क्या प्रॉब्लम है? आप लोग का आंख कितना धोखा खा गया? क्या आप लोग का आंख कितना धोखा खा गया? इसमें कुछ नहीं दिखाई दिया हमको। ध्यान से देखिए, आप इस बुल का कोई क्यों देखे? इतना दूर तो आपका उजला भी था, इसको क्यों नहीं देखे? यही दुनिया है, दिखाया आप लोग को और कुछ नहीं। देखिए यार, यही है दुनिया, समझ रहे ना? यही दुनिया है। आप देखिए, इतना बड़ा सादा पन्ना में आपको सदा नहीं दिखता है, ये काला धब्बा थोड़ा सा क्यों दिखा है? यही लाइफ के साथ होता है। आप जीवन में थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा, देखिए इसमें क्या है, कौन सा धब्बा दिखाई दे रहा है, बोलिए। आपको क्या दिखाई दिया? आप बोले सर एक काला सा धब्बा दिखाई दिया। तो आप जरा सोचिए, आपका नजर कितना कमजोर है, कितना बड़ा, इतना बड़ा सादा पन्ना में आपको सिर्फ ये काला धब्बा ही क्यों दिखाई दिया? ये काला ही क्यों दिखाई दिया? बड़ा सदा भी दिखना चाहिए। तो आपके अंदर क्या अच्छाई है, लोग उसे नहीं देखता है। आप कब थोड़ा सा गलती किए, उस चीज को लोग देखता है। कभी सोचिए कि हम गलती करें ही नहीं। जीवन में आपको यही चीज लोग खोजेंगे कि आप थोड़ा सा भी गलती क्या हुआ। इसी बुनका की तरह, इतना बड़ा सदा पन्ना में आपको काला क्यों दिखाया? क्योंकि आप काला दिख रहे हैं, आपको बहुत तेजी से काम किया, इसलिए कभी भी ऐसा पूरे सदा पन्ना की तरह या फिर ये भूमिका की तरह सदा पन्ना बनना, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा देखिए सकारात्मक विचार। बाकी दुनिया आपको कहीं नहीं कुछ नहीं कर पाएगा, हमेशा ये सीखेगा।